शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व उनकी मूवमेंट को ध्यान में रखकर, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। वे अर्थात इनके अनुयायी आज पूरे देश में मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं, जिसके तहत चलकर ही मेरे जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष BSP के लोग अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और इस बार भी मदद कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खासकर कोरोना महामारी के दौरान परिवार में जिन कमाने वालों की मृत्यु हो गई है और उनके पीछे दुखी व पीड़ित चल रहे परिवारों की सरकारी मदद के अभाव में अब हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, तो उनकी भी पार्टी के लोग पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न रूपों में काफ़ी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में दुख की बात यह है कि इस समय यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने तथा चुनाव आचार संहिता भी लगने की वजह से अब यहाँ पार्टी के लोग इन सभी की किसी भी रूप में इस बार मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही BSP ने यूपी में 4 बार अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर भी ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों जनहित की नई नई योजनाएं भी प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है और फिर इन्होंने यहाँ BSP के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को सत्ता में आने से रोका है, जिससे अब प्रदेश की जनता काफ़ी हद तक समझ चुकी है, जिनसे हमें ये उम्मीद भी है कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में BSP को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ महीने पूर्व दिनांक 7 सितंबर को BSP के प्रबुद्ध वर्ग के हुए सम्मेलन में इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर तथा इसके बाद 9 अक्टूबर सन 2021 को BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी लाखों लाखों की संख्या में
लखनऊ में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने तथा यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के एवं छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हित व कल्याण आदि के संबंध में जो कुछ भी जरूरी बातें कही हैं तो उन पर फिर हमारी पार्टी की सरकार बनने पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल किया जाएगा। वैसे भी आज देश की असली चिंता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के हिसाब से चलकर देश की करोड़ों जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व तनावपूर्ण हिंसक वातावरण की दुर्दशा से निकालकर उन्हें कानून द्वारा, कानून के राज के माध्यम से सुख, शांति व स्थिरता पहुंचाने की है, जिसके अभाव में उनका जीवन काफी त्रस्त हो रहा है और ये लोग फिर से गुलाम व लाचार बनते जा रहे हैं और अब केवल यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी ये यकीन हो चला है कि यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब आदि राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद देश में परिस्थिति जरूर बदलेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.